Namaskar. Chief Justice Sri N. B. Ramanna ji, Justice U. U. Lalit ji, Kanun Mantri Sri Kiran Rijiju ji, Justice D. Y. Chandrachud ji, Attorney General Sri K. K. Venugopal ji, Supreme Court Bar Association के अध्यक्ष श्रीमान विकास सिंह जी और देश के न्याय व्यवस्था से जुड़े देवियों और सज्जनों, आज सुबह मैं विधायिका और कार्यपालिका के साथियों के साथ था और अब न्यायपालिका से जुड़े आप सभी विद्वानों के बीच में हम सभी की अलग अलग भूमिकाएं, अलग अलग जिम्मेदारियां और काम करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी आस्था, हमारी प्रेरणा, हमारी ऊर्जा का स्रोत एक ही है, हमारा संविधान। मुझे खुशी है कि आज हमारी ये सामूहिक भावना संविधान दिवस पर इस आयोजन के रूप में व्यक्त हो रही है। हमारे संवैधानिक संकल्पों को मजबूत कर रही है। इस कार्य से जुड़े सभी लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। माननीय, आजादी के लिए जीने मरने वाले लोगों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों के प्रकाश में और हजारों साल की भारत की महान परंपरा को संजोए हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें संविधान दिया। सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने भारत को अनेक मुसीबतों में झोंक दिया था। किसी युग में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत गरीबी, भुखमरी, बीमारी से जूझ रहा था। इस पृष्ठभूमि में देश को आगे बढ़ाने में संविधान हमेशा हमारी मदद करता रहा है, लेकिन आज दुनिया के अन्य देशों की तुलना में देखें तो जो देश भारत के करीब करीब साथ ही आजाद हुए वो आज हमसे काफी आगे है। यानी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, हमें मिलकर लक्ष्य तक पहुंचना है। हम सभी जानते हैं हमारे संविधान में इंक्लूजन पर कितना जोर दिया गया है, लेकिन यह भी सच्चाई रही है कि आजादी के इतने दशकों बाद भी बड़ी संख्या में देश के लोग एक्सक्लूजन को भोगने के लिए मजबूर रहे हैं। वो करोड़ों लोग जिनके घरों में शौचालय तक नहीं था, वो करोड़ों लोग जो बिजली के अभाव में अंधेरे में अपनी जिंदगी बिता रहे थे, वो करोड़ों लोग जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष घर के लिए थोड़ा सा पानी जुटाना था, उनकी तकलीफ, उनका दर्द समझकर उनका जीवन आसान बनाने के लिए खुद को खपा देना मैं संविधान का असली सम्मान मानता हूं। और इसलिए आज मुझे संतोष है
कि देश में संविधान की इस मूल भावना के अनुरूप एक्सक्लूजन को इंक्लूजन में बदलने का भगीरथ अभियान तेजी से चल रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ है ये भी हमें समझना होगा। जिन 2 करोड़ से अधिक गरीबों को आज अपना पक्का घर मिला है, जिन 8 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है, जिन 50 करोड़ से अधिक गरीबों को बड़े से बड़े अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है, जिन करोड़ों गरीबों की पहली बार बीमा और पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाएं मिली है, उन गरीबों के जीवन की बहुत बड़ी चिंता कम हुई है। ये योजनाएं उनके लिए बड़ा संबल बनी है। इसी कोरोना काल में पिछले कई महीनों से 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर सरकार 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करके गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। अभी कल ही हमने इस योजना को अगले मार्च महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कहते हैं सिटीजन्स मैन एंड वीमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। वो इसी भावना का ही तो प्रतिबिंब है। आप सभी ये मानेंगे कि जब देश का सामान्य मानवी, देश का गरीब विकास की मुख्य धारा से जुड़ता है, जब उसे इक्वलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। जब रेहड़ी ठेले पटरी वाले भी बैंक क्रेडिट की व्यवस्था से जुड़ता है, तो उसको राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का एहसास होता है। जब दिव्यांगों को उनको ध्यान में रखते हुए पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दूसरी सुविधाओं का निर्माण होता है, जब उन्हें आजादी के 70 साल बाद पहली बार कॉमन साइन लैंग्वेज मिलती है, तो उनमें आत्मविश्वास जगता है। जब ट्रांसजेंडर को कानूनी संरक्षण मिलता है, ट्रांसजेंडर को पद्म पुरस्कार मिलते हैं, तो उनकी भी समाज पर, संविधान पर आस्था और मजबूत होती है। जब 3 तलाक जैसी कुरीति के विरुद्ध कड़ा कानून बनता है, तो उन बहन बेटियों का संविधान पर भरोसा और सशक्त होता है जो हर तरह से ना उम्मीद हो चुकी थी। महानुभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है। संविधान के लिए समर्पित सरकार विकास में भेद नहीं करती, और ये हमने करके दिखाया है। आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक वही एक्सेस मिल रहा है जो कभी साधन संपन्न लोगों तक सीमित था। आज लद्दाख, अंडमान और निकोबार, नॉर्थ ईस्ट के विकास, इन सभी क्षेत्रों पर देश का उतना ही फोकस है जितना दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों पर है। लेकिन इन सब के बीच मैं एक और बात की तरफ आपको ध्यान दिलाऊंगा। आपने भी जरूर अनुभव किया होगा कि जब सरकार किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक छोटे से टुकड़े के लिए कुछ करती है, तो बड़ी उदारवादी कहलाती है, उसकी बड़ी प्रशंसा होती है यदि उनके लिए कुछ किया।
लेकिन मैं हैरान हूं, कभी कभी हम देखते हैं कोई सरकार एकाध राज्य के लिए कुछ कर ले, कुछ राज्य की भलाई का कोई काम करते हैं तो भी वाहवाही हो जाती है, लेकिन जब सरकार सबके लिए करती है, हर नागरिक के लिए करती है, हर राज्य के लिए करती है, तो उसे उतना महत्व नहीं दिया जाता जिसका कभी कभी उसका जिक्र तक नहीं होता है। सरकार की योजनाओं से कैसे हर वर्ग का, हर राज्य का समान रूप से भला हो रहा है, इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। पिछले 7 वर्षों में हमने बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के विकास के हैं हर व्यक्ति, हर वर्ग और देश के हर कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस साल 15 अगस्त को मैंने गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं के सैचुरेशन की बात कही और इसके लिए हम मिशन मोड पर जुटे भी हैं। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, इस मंत्र को लेकर के कार्य करने का हमारा प्रयास है। आज इससे देश की तस्वीर कैसे बदली है, ये हमें हाल के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में भी दिखाई देता है। इस रिपोर्ट के बहुत से तथ्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि जब नेक नियत के साथ काम किया जाए, सही दिशा में आगे बढ़ा जाए और सारी शक्ति जुटाकर लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो सुखद परिणाम अवश्य आते हैं। जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो पुरुषों की तुलना में बेटियों की संख्या बढ़ रही है, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में डिलीवरी के ज्यादा अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, इस वजह से माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर पर कम हो रही है, और भी बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे हैं जिस पर हम एक देश के रूप में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन सभी इंडिकेटर्स में हर परसेंटेज पॉइंट की बढ़ोतरी सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों को मिल रहे उनके हक का प्रमाण है। ये बहुत आवश्यक है कि जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं का पूरा लाभ लोगों को मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं समय पर पूरी हो, किसी भी कारण से हुई अनावश्यक देरी नागरिक को उसके हक से वंचित रखती है। मैं गुजरात का रहने वाला हूं तो मैं सरदार सरोवर डैम का उदाहरण देना चाहता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मां नर्मदा पर इस तरह के डैम का सपना देखा था, पंडित नेहरू ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन यह परियोजना दशकों तक अपप्रचार में फंसी रही, पर्यावरण के नाम पर चले आंदोलन में फंसी रही, न्यायालय तक इसमें निर्णय लेने में हिचकिचाते रहे, वर्ल्ड बैंक ने भी इसके लिए पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन उसी नर्मदा के पानी से कच्छ में जो विकास हुआ, विकास का कार्य हुआ, आज हिंदुस्तान के तेज गति से आगे बढ़ रहे डिस्ट्रिक्ट में कच्छ जिला है। कच्छ को इस एक प्रकार के रेगिस्तान जैसा इलाका, तेज गति से विकसित होने वाले क्षेत्रों में उसकी जगह बन गई है। कभी रेगिस्तान के रूप में जाने जाने वाला कच्छ, पलायन के लिए पहचान जाने वाला कच्छ, आज एग्रो एक्सपोर्ट की वजह से अपनी पहचान बना रहा है। इससे बड़ा ग्रीन अवार्ड और क्या हो सकता है? माननीय, भारत के लिए और विश्व के अनेक देशों के लिए, हमारी अनेक पीढ़ियों के लिए उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद की बेड़ियों में जकड़े हुए जीना एक मजबूरी थी।
भारत की आजादी के समय से पूरे विश्व में एक पोस्ट कॉलोनियल कालखंड की शुरुआत हुई, अनेकों देश आजाद हुए। आज पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो प्रकट रूप से किसी अन्य देश के उपनिवेश के रूप में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उपनिवेशवादी मानसिकता, कॉलोनियल माइंडसेट समाप्त हो गया है। हम देख रहे हैं कि हम मानसिकता अनेक विकृतियों को जन्म दे रही है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हमें विकासशील देशों की विकास यात्राओं में आ रही बाधाओं में दिखाई देता है। जिन साधनों से, जिन मार्गों पर चलते हुए विकसित विश्व आज के मुकाम पर पहुंचा है, आज वही साधन, वही मार्ग विकासशील देशों के लिए बंद करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। पिछले दशकों में इसके लिए अलग अलग प्रकार की शब्दावली का जाल रचाया जाता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहा है, विकासशील देशों की प्रगति को रोकना। आजकल हम देखते हैं कि पर्यावरण के विषय को भी इसी काम के लिए हाईजैक करने का प्रयास हो रहा है। कुछ सप्ताह पहले हमने COP26 समिट में इसका जीवंत उदाहरण देखा। अगर एब्सोल्यूट क्यूमुलेटिव एमिशंस की बात करें तो विकसित देशों ने मिलकर 1850 से अब तक, 1815 से अब तक भारत से 15 गुना अधिक उत्सर्जन किया है। अगर हम पर कैपिटा बेसिस की बात करें तो भी विकसित देशों ने भारत के मुकाबले 15 गुना अधिक उत्सर्जन किया है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने मिलकर भारत की तुलना में 11 गुना अधिक एब्सोल्यूट क्यूमुलेटिव एमिशन किया है। इसमें भी पर कैपिटा बेसिस को आधार बनाए तो अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भारत की तुलना में 20 गुना अधिक उत्सर्जन किया है। फिर भी आज, और हमें गर्व है, भारत जिसकी सभ्यता और संस्कृति में ही प्रकृति के साथ जीने की प्रवृत्ति है, जहां पत्थरों में, पेड़ों में, प्रकृति के कण कण में, जहां पौधे में भी परमात्मा देखा जाता है, उसका स्वरूप देखा जाता है, जहां धरती को मां के रूप में पूजा जाता है, उस भारत को पर्यावरण संरक्षण के उपदेश सुनाए जाते हैं। और हमारे लिए ये मूल्य सिर्फ किताबी नहीं है, किताबी बातें नहीं है। आज भारत में लायन, टाइगर, डॉल्फिन आदि की संख्या और अनेक प्रकार की बायोडाइवर्सिटी के मानकों में लगातार सुधार हो रहा है। भारत में वन क्षेत्र बढ़ रहा है, भारत में डिग्रेडेड लैंड का सुधार हो रहा है, गाड़ियों के ईंधन के मानकों को हमने स्वेच्छा से बढ़ाया है, हर प्रकार के रिन्यूएबल एनर्जी, उस क्षेत्र में हम विश्व के अग्रणी देशों में हैं, और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त करने की ओर अग्रसर अगर कोई है तो एकमात्र हिंदुस्तान है। G20 देशों के समूह में अच्छे से अच्छा काम करने वाला कोई देश है, दुनिया ने माना है, वो हिंदुस्तान है। और फिर भी ऐसे भारत पर पर्यावरण के नाम पर भांति भांति के दबाव बनाए जाते हैं। यह सब उपनिवेशवाद मानसिकता का ही परिणाम है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में भी ऐसी ही मानसिकता के चलते अपने ही देश के विकास में रोड़े अटकाए जाते हैं। कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, तो कभी किसी और चीज का सहारा लेकर।
हमारे देश की परिस्थितियां, हमारे युवाओं की आकांक्षाएं, सपनों को बिना जाने समझे बहुत सी बार दूसरे देशों के बेंचमार्क पर भारत को तोलने का प्रयास होता है और इसकी आड़ में विकास के रास्ते बंद करने की कोशिश होती है। इसका नुकसान ये जो करते हैं ऐसे लोगों को भुगतना नहीं पड़ता है, इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस मां को जिसका बच्चा बिजली प्लांट स्थापित न होने के कारण पढ़ नहीं पाता, इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस पिता को जो रुके हुए सड़क प्रोजेक्ट के कारण अपने संतान को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाता, इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस मध्यम वर्गीय परिवार को जिसके लिए आधुनिक जीवन की सुविधाएं पर्यावरण के नाम पर उसकी आमदनी से बाहर पहुंचा दी गई। इस कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से भारत जैसे देश में, विकास के लिए प्रयास कर रहे देश में, करोड़ों आशाएं टूटती हैं, आकांक्षाएं दम तोड़ती हैं। आजादी के आंदोलन में जो संकल्प शक्ति पैदा हुई उसे और अधिक मजबूत करने में ये कॉलोनियल माइंडसेट बहुत बड़ी बाधा है, हमें इसे दूर करना ही होगा। और इसके लिए हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हमारा संविधान ही है। माननीय सरकार और न्यायपालिका दोनों का ही जन्म संविधान की कोख से हुआ है, इसलिए दोनों ही जुड़वा संतानें हैं। संविधान की वजह से ही ये दोनों अस्तित्व में आए हैं, इसलिए व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो अलग अलग होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के पूरक है। हमारे यहां शास्त्रों में भी कहा गया है, एक्यम बलम सामंजस्य, एक्यम बलम समाजस्य, एक्यम बलम समाजस्य तत् अभावे से दुर्बल तस्मात् एक्यम प्रशंसन्ति दृढ़म राष्ट्र हितैषिणी। अर्थात किसी समाज की, देश की ताकत उसकी एकता और एकजुट प्रयासों में होती है, इसलिए जो मजबूत राष्ट्र के हितैषी होते हैं वो एकता की प्रशंसा करते हैं, उस पर जोर देते हैं, राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही यही एकता देश की हर संस्था के प्रयासों में होनी चाहिए। आज जब देश अमृत काल में अपने लिए असाधारण लक्ष्य तय कर रहा है, दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान तलाश कर नए भविष्य के लिए संकल्प ले रहा है, तो ये सिद्धि सबके साथ से ही पूरी होगी। इसलिए देश ने आने वाले 25 सालों के लिए, जब देश आजादी की शताब्दी मनाता होगा, और इसलिए सबका प्रयास इसका देश ने आह्वान किया है। निश्चित तौर पर इस आह्वान में एक बड़ी भूमिका जुडिशरी की भी है। महोदय, हमारी चर्चा में बिना भूले हुए एक बात लगातार सुनने को आती है, बार बार उसे दोहराया जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर की बात न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या फिर विधायिका, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रही है। इसके साथ ही आजादी के इस अमृत काल में, भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक
ये जो अमृत काल है, ये अमृत कालखंड में संविधान की भावना के अनुरूप कलेक्टिव रिजॉल्व दिखाने की आवश्यकता है। आज देश के सामान्य मानवी के पास जो कुछ है वो उससे ज्यादा का हकदार है। जब हम देश की आजादी की शताब्दी मनाएंगे, उस समय का भारत कैसा होगा, इसके लिए हमें आज ही काम करना है। इसलिए देश की उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना बहुत जरूरी है। सेपरेशन ऑफ पावर के मजबूत अधिष्ठान पर हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मार्ग निर्धारित करना है, रोड मैप बनाना है, लक्ष्य तय करने हैं और मंजिल तक देश को पहुंचाना है। माननीय, कोरोना काल ने जस्टिस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर नया भरोसा पैदा किया है। डिजिटल इंडिया के मेगा मिशन में न्यायपालिका की सहभागिता है। 18,000 से ज्यादा कोर्ट्स का कंप्यूटराइज होना, 98% कोर्ट कॉम्प्लेक्स का वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ जाना, रियल टाइम में जुडिशियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का फंक्शनल होना, ई कोर्ट प्लेटफॉर्म का लाखों लोगों तक पहुंचना, ये बताता है कि आज टेक्नोलॉजी हमारे जस्टिस सिस्टम की कितनी बड़ी ताकत बन चुकी है। और आने वाले समय में हम एक एडवांस जुडिशरी को काम करते हुए देखेंगे। समय परिवर्तनीय है, दुनिया बदलती रहती है, लेकिन ये बदलाव मानवता के लिए इवोल्यूशन का जरिया बने हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मानवता ने इन बदलावों को स्वीकार किया और साथ ही मानवीय मूल्यों को शाश्वत बनाए रखा। न्याय की अवधारणा इन मानवीय मूल्यों का सबसे परिष्कृत विचार है और संविधान न्याय की इस अवधारणा की सबसे परिष्कृत व्यवस्था है। इस व्यवस्था को गतिशील और प्रगतिशील बनाए रखने का दायित्व हम सभी पर है। अपनी इन भूमिकाओं का निर्वाह हम सब पूरी निष्ठा से करेंगे और आजादी के 100 साल से पहले एक नए भारत का सपना पूरा होगा। हम लगातार उन बातों से प्रेरित हैं, जिस बात के लिए हम गर्व करते हैं, और वो मंत्र हमारे लिए है संगच्छद्वम संवदवदम संवो मनासानी जानता। हमारे लक्ष्य समान हो, हमारे मन समान हो और हम साथ मिलकर उन लक्ष्यों को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ मैं आज संविधान दिवस के इस पवित्र माहौल में आप सबको, देशवासियों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।